हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय विकास आकाश ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। एक रिक्वेस्ट और है हमारे चैनल से, जो भी नए सब्सक्राइबर हुए जुड़ते हैं यूट्यूब फैमिली के रूप में, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल घंटी भी प्रेस कर लीजिए। कोई भी वीडियो डाले, ब्लॉग डाले, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ आप लोग से शेयर करने वाले हैं जो आप लोग सुन के बहुत खुश होंगे। तो चलिए वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला बात जो शेयर करने वाले हैं, कल से नागांती जी अकेले रहने वाली है सपनों के घर में और मैं जा रहा हूँ बाहर कोई काम करने। नागांती जी देख सकते हैं अभी कैसे उदास है। और एक चीज़ और है दोस्तों, इनके दांतों में सुबह से दर्द हो रहा है, पता ना क्या हो गया अचानक। बहुत पहले से भी होता था ना जी? हाँ, तो नगांती जी मेरा दांत खोड़ी सी हो गई है, लेकिन दिखता नहीं है इधर का जो दांत है ना। हाँ, इधर का थोड़ा दांत कभी आप देख भी गए होंगे तो। चलिए सही हो जाएगा, पता ना क्या हो जाता है अचानक। वो अभी कौन सी तेल था जी? एक तेल है नहीं रूम तो लौंग का तेल ले आ जाता हूँ, लौंग का तेल काम करता है दांत के दर्द में ना। मैं एक बार ले आया भी था, तो जाता हूँ लौंग का तेल ले आऊँगा, उसी से अपना लगाएंगे सही हो जाएगा। सुबह से कुछ भी नहीं खाई है, देख सकते चेहरा कैसे उतरा हुआ है। मैं तो थोड़ा कुछ खा भी लिया, नगांती जी नहीं खाई। और दोस्तों कल से सपनों का घर नगांती जी रहेंगे अकेले, अब मैं नहीं रहूँगा तो नगांती जी 2-3 दिन तो महसूस करेंगी, लेकिन फिर बच्चों में घुल मिल के अच्छे से रहेंगी। मैं इनको बहुत समझा भी दिया हूँ, और बाकी तो आप लोग कमेंट द्वारा बहुत हौसला बढ़ाते ही हैं, ऐसे अपना कमेंट द्वारा हौसला बढ़ाना बिल्कुल मत बंद करिएगा। हमारा थोड़ा लाइक शेयर के रूप में सपोर्ट जो करते हैं प्लीज़, और भी उसको थोड़ा बढ़ाइए कि हमारा भी चैनल आगे बढ़े, आज इससे बहुत खुशियाँ मिले। चलिए अभी जो भी काम करूँगा परदेश में जाके वो तो आपको दिखेगा ही। अब ब्लॉग भी बनाऊँगा दोस्तों, अगर जैसे एक ब्लॉग पहले बना के स्टॉक कर लूँगा, जैसे जाते ही तो काम शुरू नहीं करूँगा। अभी ढूंढना पड़ेगा कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए तो, नहीं तो प्राइवेट काम है भैया, कह रहे थे कि चलो मैं कोई ना कोई व्यवस्था कर दूँगा। तो ये सब बातें थी। अपने साइकिल से चल रहा हूँ, नगांती जी के लिए ले आऊँ दावा मार्केट से, नहीं तो दांत का दर्द समझ सकते कितना सुबह से पूरा परेशान है बेचारे। दोस्तों देख सकते हैं अभी दवा खाना में आ गया, चलिए दवा ले लेते हैं। देख सकते हैं अभी लौंग का तेल लिया दिया, लीजिए जी। इधर और भी कुछ लाया हूँ, क्योंकि सुबह से ये खाई नहीं है ना दांत के दर्द से, तो मैं ये एमी एमी टेस्टी टेस्टी क्या लेके आया हूँ अभी नगांती जी इनबॉक्सिंग करके दिखाइए दिखाइए जी। खुशबू से पहचान गया का समोसा है। देह देह पीछे एक 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 है, ठीक है। आइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए समोसा हमारे मार्केट का, अभी अभी बना है। आइए बताइएगा अच्छा चीज़ लाया कि नहीं। कभी भी दांत में दिक्कत होगा तो ये लौंग का तेल से वो लगा के ना कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों आकाश पढ़ेंगे लौंग के तेल लौंग का तेल। नहीं तो चलिए चटनी भी निकालिए खाते हैं। तो अभी क्या बन रहा है हमारे यहाँ, ये क्या है जी? प्याज है, सागा सागा प्याज, गोभी और सागा प्याज, आलू आलू भी थोड़ा डाल दीजिएगा टेस्ट लगेगा। ये क्या कर रही है? चलिए अभी बन जाता है टेस्टी टेस्टी सब्जी, ऐसा बनेगा कि शाम को ही हो जाएगा ना, 2-3 तो बज ही रहे। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज है नेक्स्ट डे, कल प्रोग्राम बना रहे थे हम लोग कहीं जाने के लिए, मैं जा रहा था लेकिन नगांती जी कह रही कि थोड़ा खेत बोवा दीजिए और छठ नज़दीक आ गया है तब जाइए। इधर दोस्तों देख सकते खाना खा रही है, तोरी का सब्जी और चावल नहा लिए का ये बड़ा सुबह सुबह। तो चलिए आज अपने खेतों को साफ करेंगे, छठ से 1-2 दिन पहले रुकवा देते हैं ना, क्योंकि दोस्तों खेत पटौनी करने के बाद फिर जोताई होकर बुआ रहा, क्योंकि इतना सूखा सूखा हो गया ना कि गेहूँ भी रोप देंगे तो नहीं जमेगा। सब लोग ऐसे कर रहे हैं तो बहुत उसमें अभी परेशानी है, और सब कोई रोप रहा है तो अपना भी रोपना फर्ज बनता है, हो या ना हो तो भगवान जी के ऊपर है ना। लेकिन
धान जैसे रोपे थे गेहूँ भी रोपेंगे। तो चलिए अभी खेत का साफ सफाई करते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। देख सकते हो अभी खाना वाना खा लिए। अभी मैं ये कहा जी भुजा बहुत सुंदर लगता है, ये सब बनाने में कैसे कैसे बनता है? आटा के चावल का आटा का चावल का आटा का ना मैं बना के दीपम भरा। उधर दोस्तों देख सकते अभी कितने लोग इकट्ठा हो रहा, खेत नापी हो रहा है। एक जूम करके दिखाता हूँ, बहुत लोग। चलिए खेत नापी हो रहा है, बहुत तरीका से खेत नापी होता है दोस्तों। वो भंडार कोना से किधर से नापते नापते ले आ रहे हैं, तो अब एक आदमी का खेत ना पाएगा ना। फिर उसमें दरार इधर है, वो है उधर। चलिए ये वाला जो खेत छोड़ दिए थे, जो थोड़ा बहुत पका है धान जो भी निकलेगा, उसको आज काट के साफ कर लेते हैं और फिर उसमें पटौनी कर देंगे। उसके बाद जुताई करके गेहूँ छिटवा देंगे। कौन सी गेहूँ बोइएगा? लाल वाला। फाइनली हमारे घर क्या बना है खाने में, तोरी और चावल की, तोरी की सब्जी और चावल। नगंती जी गई है दूसरे वाला खेत में धान काटने, जो नहीं हुआ ना उसको काट रहे हैं। आ साफ सफाई करके करेंगे अभी, छठ बाद ही जाइए। इधर दोस्तों देख सकते हैं अभी जैसे सूख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। आ ये वाला धान अभी पका नहीं है दोस्तों, तो इसको भी अभी छठ बाद ही काटेंगे, नहीं तो सूख जाएगा अगर अभी काचे में काट देंगे तो। चलिए अभी मैं भी चल रहा हूँ अपने खेतों में, धान काट के आए और उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे। मैं चल रहा हूँ अपने खेतों में, आकाश घर का रखवाली करेगा, घर पर आना ठीक है। हम लोग खेत धान काट के आ रहे हैं। पानी के बगैर क्या धान का हाल हुआ है, जो धान इतना बड़ा बड़ा कमर तक होता है, देखिए कितना छोटा छोटा हुआ। इधर दोस्तों देख सकते पानी पटा पटा के धान जैसे कट गया ना, फिर पंपी सेट से पानी पटा के फिर जुताई होगा, उसके बाद गेहूँ रोपेंगे। आ इतना सब मेहनत करने के बाद भी धान गेहूँ ना हो तो कितना परेशानी होती है हम लोग, ये आप समझ सकते हैं। चलिए सभी का यही हाल है, इस साल तो बहुत परेशानी होगा हम लोग को भी और भी आदमियों को। इधर दोस्तों देख सकते काट काट के धान खेतों में ही जला दिए हैं, राख हो गया है कि खाद का काम करेगा, तो फिर धोएं। इनके पास माल गोरू नहीं होगा ना जैसे गाय भैंस, इसीलिए इसमें जला दिए हैं। अब बाकी लोग लेदी कटवा कर रखे हैं कि कुछ तो काम आए। चलिए चलते हैं अभी अपने खेतों में। और इधर दोस्तों देख सकते हैं अभी मटर और सरसों का खेती हो चुका है, कितना सुंदर जमा है। इधर देखो देख सकते बगल में तो कौन सी डिजाइन का धान हो रखा है सब, बाप रे। ये मुझे लग रहा अलगे हुआ है, देखिए इसको छोड़े हैं। आ ये भी किसी काम का नहीं, पहिया पहिया जैसा हुआ है। आ इधर दोस्तों देख सकते हैं अभी विकास और विजय और नगांती जी क्या कर रहे हैं जी। चलिए और नज़दीक पहुंचता हूँ। ये देखिए क्या हाल है, एक दाना भी नहीं हुआ है। इधर दोस्तों देख सकते फिर भी और देखे होंगे कैसे बारिश में, हाँ मेहनत। आज सबसे ज़्यादा मेरे को मोह लग रहा है ये जो घास नगांती जी सोई थी, आप फिर भी देखिए कुछ भी नहीं हुआ। चलिए कोई नहीं, पानी कभी पटा रहे हैं। पटा छोड़ेंगे तभी तो छठ बाद हुआ, छठ बाद पटेंगे तो कब हुआ? ऐसा है ना, देखा देखी करने से ना और परेशानी होता है। आप देखिए ना छठ बाद कैसे बारिश आता है, आपको विश्वास नहीं है? नहीं आया तो चलिए अभी घर पे चलेंगे तो शर्त लगेंगे ठीक है। मैं दोस्तों अगला साल इनसे बोला था, मेरे से पूछी नहीं, धान का बिया गिरा दी। एक बार पूछी होती कि ये बताइए, अगम जानी नहीं, ये थोड़ी सी मेहनत ना करने के डर से कि बारिश आएगा उसमें छान छान के हम लोग को बाल काटना पड़ेगा। नहीं जी ये वाला धान रोप दीजिए कि बारिश का पानी सूख जाएगा उसके बाद काटेंगे प्यार से। तो दोस्तों अपना ही स्वार्थ था सबका कि हल्का वाला धान कोई नहीं रोपा और बारिश भी नहीं। नहीं वो हल्का वाला धान वो थोड़ा पटावे होते ना तो हो जाता, बिना पटावे कौन ना ये पटाई तो ये होगा। तो कितना इसमें तो पानी लगेगा तब ना होगा। चलिए कोई नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा ना गांधी जी, थोड़ा मेरे से भी सलाह लेके कोई भी कदम उठाइएगा। और बाकी मैं भी आपसे सलाह लेके कोई भी कदम उठाता हूँ। एक टूम ना गांधी जी बोली कि नहीं आपको जाना है छठ बाद, दुनिया में हम लोग का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ पूजा। आ
मैं जो प्रोग्राम बना दिया था बाहर जाने के लिए, अच्छी बात है बच्चों के भविष्य के लिए बाहर भीतर जाएंगे काम करेंगे तो ही, लेकिन दो चार दिन और है, चार दिन के बाद जब तक हमारा खेत भी साफ हो जाएगा उसके बाद जाएंगे काम ढूंढ के काम करेंगे ना, जो भी पैसा कमाएंगे वो सब आपको जैसे YouTube परमेंट दिखाते हैं कि हमारा ये परमेंट आया, मैं वो भी दिखाऊंगा कि आज मैंने इतना कमाया, आप ब्लॉग भी बनाऊंगा कि मैंने अकेले क्या क्या किया, अपने घरों में कैसे खाना बनाया, कैसे अपना ड्यूटी टाइम से चला गया और फिर शाम को आया, वो बहुत आप लोग को अच्छा लगने वाला है दोस्तों। इधर वाला ब्लॉग रियल लाइफ ब्लॉग में दिखेगा कि नगांती जी क्या करी, कैसे बच्चों को संभाली, कैसे कैसे अपना अकेले दिन गुजार रही हैं, और मैं अकेले कैसे अपना फैमिली के बगैर काम कर रहा हूँ और दो पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कितना अच्छा लगेगा दोस्तों आप लोगों को। चलिए और काट लेते हैं, शाम को घाम आ गया ना दोस्तों, देख सकते हैं विजय भाई बोले हैं छोड़िए हम काटते हैं। नगांती जी तो कहती ही है आगे थोड़ा सा ब्लॉग में बना लिया, कुछ किए नहीं, देखिए दोस्तों ये पूरा ही मैं काट के जाऊँ। चल सानी और कटाई, कोई बात है, अभी पूरा खेतों में लोग काम कर रहे हैं तो उनको देखा देखी थोड़ा बहुत अपना भी ना, अगर तो कौन देखा देखी ना कर ले ना, नहीं तो वो बात अलग की है। हाँ कितना टाइम लगेगा, ज्यादातर नहीं लगेगा, आधा घंटा का काम। हम अभी आए थे देखिए यहाँ से देख वहाँ तक सभी काट दी हूँ, वहाँ विकास काट था उस साइड में, आप लोग आइए साइड में। हाँ जाइए आप घर पे, ठीक है, साफ सफाई और जो भी मेरा कपड़ा है ना उसको निकालिए, क्योंकि भैया कह रहे थे ना कि चलो आप खाली जॉब का बात कर लो, जो कंपनी में बात किया हूँ मैं, आपको अच्छा लगे पैसा वैसा के बारे में बात कर लेना, ना होगा तो आप आ जाना मेरे साथ, उसके बाद छठ बिता के अपना चले जाना, यानी जाने में फिर भाड़ा किराया लगाने में वही दिक्कत है, वो दो पैसा रहेगा तो हमें काम आएगा, देख लीजिए, क्योंकि वहाँ जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा मेरे को, तब मान लेते फ़ोन पे कोई इंटरव्यू नहीं होता ना, वहाँ जाना पड़ेगा हम लोग का, हम लोग की स्थिति यही है दोस्तों, भाड़ा किराया मान लेते लगा के जाए फिर आए, इसीलिए सोच रहे कि छठी बार डायरेक्ट जाए वहाँ बात करके लग जाए कंपनी में। चलिए जैसा भी है थोड़ा आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, वैसे कर लेते हैं, चलिए अभी जिस काम के लिए आए वो काम करते हैं, आप लोग जाओ बेटा, चलो धूप लिख गए। हाँ चलो बेटा, तो दोस्तों देख सकते हैं अभी फाइनली सारा खेत काट दिए कितना था, चलिए अब चलते हैं इसको सूखने देते हैं फिर जलाएंगे, इधर मुझे लग रहा है ये ऐसी सूख जाएगा सबका, ये भी काटे हैं। अन्ना गांधी जी आप हिम्मत हार रही थी, चलिए शाम को आएंगे, और अब कट गया तो दूसरा काम करेंगे ना, लीजिए हंसुआ अपना, ये हंसुआ बहुत बढ़िया है, हाँ देख सकते हैं दोस्तों बेगर धान का मुआर, कितने मेहनत से सब रोपे थे, कितना खुशी मिलती है दोस्तों, ये देखिए जो, और कितना खुशी मिलती है दोस्तों जब धान होता है गोटाता है उसको काटने में एक अलगे काट के पलाऊ लगाओ, हाँ अलगे एक लुक रहता है, चेहरे का अलगे एक खुशी रहती है कि हमने धान काटा है अपना, बोए थे तो उगा है तो काटे हैं, अब हमारा घर भर जाएगा अनाज से, लेकिन इस साल बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बहुत परेशानी होने वाला है, पूरा साल खरीद के खाना पड़ेगा, सभी लोग देख के आदमी कैसी रहता है ना, अगर एक आदमी के साथ हुआ होता ना तो बेहोश हो जाते हैं, ऐसा कुछ सब लोग है तो लगान लगाए हैं तो सब लोग शांति भगवान आज नहीं तो कल तो देंगे। चलिए अभी चलते हैं अपने घर पे, उसके बाद क्या क्या करेंगे, ये है हमारा चौर है दोस्तों देख सकते हैं चारों बगल का लोग, पंपी सेट तो दोस्तों जब से यहाँ पे लिया कर रखे हैं तब से रोज ही चल ही रहा है, कभी किसी का कभी किसी का, एक परेशानी और है ना पटौनी करके जोतौनी करना पड़ेगा। चलिए तो दोस्तों आ गए फाइनली अपने घर पे, अब चलिए घर में जो भी काम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, कैसा लगा हम लोग का ब्लॉग जरूर कमेंट द्वारा बताइएगा, और यहाँ तक ब्लॉग वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, हमने के फिर से मिलने से एक नया वीडियो में, जब तक रहो लोग अपन ख्याल रखा, हम लोग कैसा लगा ब्लॉग जरूर कमेंट द्वारा बताए, हम लोग यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, इंस्टाग्राम का लिंक तो टुक टुक 1632 है, उससे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं।